अक्सर बहुत जल्दी होती है लोगों को, लेकिन आप देखिए कि एक एक नोट को आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसके अंदर डूबते हैं। मिलेगा तो एक सुर से भी बहुत कुछ मिल जाएगा, और अगर आपने शिद्दत से नहीं किया तो बहुत सारा आप गालें, बहुत सारे सुर गालें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हम जो सरगम है सिर्फ उसको फोकस कर लेते हैं और उसके जो भाव है उसकी तरफ उतना हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो चाहे मंद्र सप्तक में रियाज करने की बात हो, या तार सप्तक में, या मध्य सप्तक में, आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है कि जो एक नोट से, यानी कि एक सुर से दूसरे सुर के बीच का जो डिफरेंस है, उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे उस पर ध्यान देना है, कितना आप उसको महसूस कर सकते हैं। जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, उसकी खूबसूरती को आप समझेंगे नहीं, तब तक उतनी खूबसूरती आप उसमें ला भी नहीं सकते। जब दो सिंगर्स के बीच हम डिफरेंस जो समझने की कोशिश करते हैं कि उस सिंगर ने कितना फील डाल दिया गाने में, कितना सोलफुल गाया, तो वहाँ यही डिफरेंस होता है कि उनका सुर को लगाने का डिफरेंस क्या था, क्या तरीका था उनका सुर को लगाने का। तो ये जो सुर की समझ है, ये सबको होती है, हर कोई सुर लगा रहा है, हर कोई सरगम गा रहा है, लेकिन भाव और उसका असर कितना है ये देखना है। सो जब भी आप स्वराभ्यास करें, सुर की प्रैक्टिस करें, तो ये ना करें कि आपने फट सरगम शुरू कर दी। अगर मंद्र सप्तक की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मंद्र सप्तक में एक एक नोट आगे बढ़ना है स्लोली। और उससे भी और डीप एक और चीज़ है कि सुरों का आनंद लेने की कोशिश करें। और वो कैसे लिया जाता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। तानपुरा प्ले करके, ये मैंने तानपुरा प्ले किया है शिशाप स्केल का, इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपने जितनी भी देर सा का रियाज किया, उसके बाद जब आपको सुरों की तरफ बढ़ना है, अगर आपको मंद्र सप्तक की तरफ बढ़ना है, तो सा सा नि सा नि 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 सा नि सा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बोलने वाली बात होगी, ये नहीं है। उसके भाव को समझिए, उसका जो डिफरेंस है उसका आनंद लेने की कोशिश करिए। अक्सर बहुत जल्दी होती है लोगों को कि एकदम से जल्दी बहुत कुछ कर लें, लेकिन उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा तो एक सुर से भी बहुत कुछ मिल जाएगा, और अगर आपने शिद्दत से नहीं किया तो बहुत सारा आप गालें, बहुत सारे सुर गालें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक दिन आप यही कर सकते हैं कि सिर्फ नी और सा, नी और सा, इसी का आनंद लिया आपने। सा नि सा नि रा नि रा नि रा
कोई जल्दी नहीं है और जल्दी करके कुछ होना भी नहीं है। महसूस करिए, आप को पता ही नहीं है कि किस हद तक आप इससे कनेक्शन अपना बना सकते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते, हम ऐसी कोशिश नहीं करते करते हमें सुनने को ज़्यादातर क्या मिलता है, सा नि द प म ग रि ग म प द नि सा सा रे ग म प द, इसी पर लगे रहते हैं सारी उम्र, कई साल निकल जाते हैं इसी में, और फिर हमारा दिमाग ये सोचना भी नहीं चाहता कि इसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता था। सो मैं यही कहूँगा कि शब्द नहीं है, सुर सुर को जो है महसूस कितना कर सकते हैं, सबके लिए सारी दुनिया के लिए वही सारे सात स्वर हैं, लेकिन आप देखिए कि एक एक नोट को आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसके अंदर डूबते हैं। सा रे सा, तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वीडियो और ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।